इस वक्त हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ही, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले हफ्ते से आप कह रहे थे कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, थोड़ा सा सतर्क रहिए, और वो हम करेक्शन देख भी रहे हैं। ना ही सिर्फ भारतीय बाजारों में, जो ग्लोबल का इम्पैक्ट है वो कई सारे स्टॉक सेक्टर्स थीम्स पे आ रहा है। क्या अब जो है करेक्शन अपने एंड के टूवर्ड्स है, आपको लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन अब और भी आ सकता है? इंडिसीज पे क्या राय रहेगी? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि गुड जी, मॉर्निंग, आपको और सारे दर्शकों को हैप्पी अष्टमी, जय माता दी। और जय आपने माता सही दी। फरमाया, लास्ट वीक से आपको कॉशन कर रहे थे, पैसे ले जाओ घर अपने और वेट करो करेक्शन का। आपको 22,700 की पुट दिलाई थी, 158.60, वो कल 410 बिक गई, और आज आप देखो तो आपका पैसा दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना हो गया है 3 दिन में। इसे कहते हैं कॉल। साथ में आपको वेदांता ONGC कल गिरते हुए बाजार में भी दिलाया था, और ONGC 6% अप था। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, मार्केट में करेक्शन अनिवार्य था, लेकिन फियर और ग्रीड में आपको पता है ओवरप्ले जरूर होता है। मुझे लगता है ये 22,250 के नीचे जितना ट्रेड करेगा, वहां से जब बाउंस आएगा, 22,200-250 बहुत स्ट्रांग है, वहां से एक पुल बैक जरूर आना चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर अ पुल बैक, क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया है, अर्निंग्स रीजनेबल है कल। सो आई थिंक यहां से आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा सृष्टि जी, और ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको दोनों तरफ की बाय सेल कहेगी। आपको अपडेट दे दूं, ABB, सीमेंस और L&T तीनों मेरे सेल कॉल थी, तीनों अपने लोस पे बंद हुए हैं, अभी तो उनमें शुरुआत है, बिकॉज कैपेक्स स्टॉक्स हैव रन अप फार अहेड ऑफ दैट। दिस इज द टाइम कि आपको थोड़ा डिफेंस प्ले लेना है और कंजम्पशन के नाम में लीजिए। तो आज मेरी टॉपिक्स दोनों, दो सेल एक बाय है, लेकिन यहां मैं अपडेट दूं कि हिंदुस्तान लीवर में हम हमने अपग्रेड कर दिया है, 2800 से 2190 रुपए में आ चुका है, रेनफॉल पॉजिटिव से अबव है। सेकेंडली, रूरल इनकम्स हैव रिजन वेरी शार्पली, गवर्नमेंट की तरफ से रूरल के लिए ही सबसे बड़ा प्रोग्राम आ रहा है बजट इसमें, इलेक्शन और बियॉन्ड। लीवर जैसा शेयर आपको इस भाव पे मिल नहीं सकता, यहाँ से 400 रुपए की अपसाइड है, 50 रुपए की डाउनसाइड। तो आप अपना तय करिए कि डिफेंसिव प्ले और इंडिया की सबसे बड़ी FMCG प्ले में आपको जाना है। आज के लिए भी कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं आपको अपडेट करूं और बताऊं। जी बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज की क्या कॉल्स हैं और पिछली कॉल्स के भी क्या कुछ अपडेट्स हैं, अगर हैं तो वो भी शेयर करिए। वेदांता पहले 250, 260, 310, 320, कल भी 340 पे कहा था, 385 रुपए बिक गया। अब कोई भी करेक्ट आए तो वेदांता लेना, 450 का भाव। ONGC कल 260, 65, 66, 68, 70, वो 290 बिक गया। 390 का लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म क्या, 4-6 महीने में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, ONGC PSUs में आउट परफॉर्म करेगा। तीसरा मैं अपडेट दे रहा हूँ कि इंडिया बुल रियल एस्टेट में जो 142 रुपए से 130-132 आया, इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया रियल एस्टेट प्ले है। 6,000 करोड़ की मार्केट कैप, 6,500, 4,000 की कैपिटल इन्फ्यूजन, और जो उनके पास इन्वेंट्री है वो सेल फोन है, उसमें जो मार्जिन जाएंगे आगे आगे आप देखते जाएंगे, तो वो ऐड करने का लेने का होल हार्टेडली वो यू है। आज के लिए सेल है DLF 890 रुपए में, 920 का स्टॉप लॉस, 840 का टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टी बेचिए, 2,2670, 2,680, 2,730 का स्टॉप लॉस और 2,600 का टारगेट। ये फुली प्राइस्ड है, आई वुड रादर गो इन टू इंडिया बुल रियल एस्टेट। और लास्ट है कि आज जो नेगेटिव न्यूज आनी है LTIM को, जो वो घटा 5400 से, क्योंकि एक दो रेजिग्नेशन आई है। LTIM इज आई थिंक आर्गुएबली सबसे बढ़िया मिड कैप प्ले है, और ये जो रीजन फॉल का था ये इज यू नो अनवॉरंटेड। 4800 पे आप लीजिए, 4700 का स्टॉप लॉस है, 5000 का पहला टारगेट 5200। आई एम वेरी बुलिश, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ का मतलब IT विल मेक अ कमबैक, एंड आई थिंक इन्फ्लेशन इज मोर और लेस डन विद। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क में ओनली अदर थिंग विच विल डू वेल इज FMCG एंड IT। ठीक है, दो सेल की कॉल है, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में और LTI माइंट्री आपको खरीदने की सलाह है भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, आप बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन कन्विक्शन वाले आइडियाज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ जो खबरों वाले जो शेयर हैं, जो ब्रोकरिंग कंपनियों की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर अब चर्चा करते हैं।
वीएसटी इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं कि राधा कृष्ण दमानी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, पहले करीब 33% के आसपास का स्टेक था, 1.5% और लिया है और इन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड का हिस्सा खरीदा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, जरा इसके चार्ट आप सोनी चेक कीजिए, कैसी लग रही है आपको कंपनी और क्या करना चाहिए इसमें? अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है पोजिशनल बेसिस पे, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या तो फिर एक लेवल का वेट कीजिए क्रॉस होने के लिए। अगर 3750 के ऊपर क्रॉस हो पाता है तो ही उसके ऊपर आप लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 3850-3900। अगर क्रॉस नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आपको विटनेस हो सकता है। एनीवेयर अगर वो 3600 के नीचे ब्रेक करता है तो वहां पे और कंफर्म हो जाएगा कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 3500-3450। सो या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार कीजिए या तो फिर सपोर्ट का ब्रेक हो जाए, एक बार डिप ले जाए, बाउंस करे, उसके बाद ही इनिशिएट कीजिए। बट अभी करंट लेवल से लॉन्ग्स के लिए इनिशिएट ना कीजिए। हमारे साथ विनीत बोलिंजकर को भी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम पूरी समर थीम की बात ही कर रहे थे और हमने कोल्ड बेवरेज पे भी एक व्यू लिया जहाँ पे बढ़ती गर्मी के साथ इनका भी कंजम्पशन जो है बढ़ सकता है। एक स्टॉक जो कि आज फोकस में रहेगा उसको लेकर, वो है वरुण बेवरेजेस, जहाँ पे एक ब्रोकरेज का नोट भी आया है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है 1701 के लक्ष्य के साथ। आपका क्या व्यू है वरुण बेवरेजेस पे, और किसी को कॉल लेना हो तो क्या अभी भी सही मौके हैं वैल्यूएशन के लिहाज से एंट्री लेने के, आपकी क्या राय है? शायद अनम्यूट करना पड़ेगा जी। कंजम्पशन स्टोरी में वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस टू बी इन है आपका फूड कंजम्पशन, एंड वरुण बेवरेजेस जो ये दायरे में पड़ता है, हमें लगता है कि ये बेस्ट प्लेस्ड स्टॉक है। क्योंकि आप देखोगे कि इसके जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है या कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वर्ल्ड क्लास है, एंड इनके तो इनको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉस्ट कॉम्पिटेंसी उनके पास है तो उनको सिर्फ इसको रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो आप जैसे ग्रो होते रहते हैं, बिजनेस आपका ग्रो करते रहते हैं, वैसे क्या होता है आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है, एंड जब आप इसको टाई अप करेंगे विद फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेगमेंट, जैसे आज गर्मी है और नेचुरली बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड बेवरेजेस जोर से बिकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वरुण बेवरेजेस को नेचुरल बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द नेचुरल कंजम्पशन प्लस इनके एग्जिस्टेंस इन दिस सेगमेंट। तो हमें लगता है कि ये कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्म करेगा और ये स्टॉक आपका 30-40% तो यहां से आराम से चल सकता है। ओके, वरुण बेवरेजेस अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, 30-40% की बढ़त इन स्तरों से भी आती हुई दिख सकती है, ऐसी राय है विनीत जी की। पर चलिए